मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSDI के बिहार चैप्टर का 6th वार्षिक सम्मेलन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में 14 से 16 जून को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष हैं डॉक्टर SC झा और आयोजन सचिव हैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद एवं डॉक्टर श्वेता वर्मा। इस सम्मेलन के संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 15 जून 2024 शनिवार को सायं 5:30 बजे मुख्य अतिथि डॉक्टर BB ठाकुर के कर कमलों द्वारा होना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम का खास आकर्षण है इसका विषय मधुमेह और उसके दुष्प्रभाव। इस कार्यक्रम के वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन सुबह 8:30 बजे 15 जून शनिवार को होना है, जिसमें देश एवं राज्य भर से चिकित्सकों के आने की संभावना है। इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं हैदराबाद के डॉक्टर राकेश सहाय। 16 जून को एक वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आम जनता की भी भागीदारी होगी। इस सम्मेलन का आयोजन कुछ कर्मठ चिकित्सकों के जिम्मे रखा गया है, जो स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत समिति का नेतृत्व करने वालों में हैं डॉक्टर भरत कुमार। उसी तरह रजिस्ट्रेशन डेस्क का संचालन डॉक्टर देवार्द कुमार कर रहे हैं। वैज्ञानिक समिति का नेतृत्व डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर मिलिंद झा कर रहे हैं। आतिथ्य समिति की देखरेख डॉक्टर रितेश कमल एवं डॉक्टर राजेश कुमार कर रहे हैं। देश भर के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अरविंद जगदीशा, डॉक्टर वी विश्वनाथन, डॉक्टर अजय पटवारी, डॉक्टर AH जरगर, डॉक्टर दीपक के जुमानी, डॉक्टर SS दरिया, डॉक्टर प्रताप जेटवानी, डॉक्टर अनिल सामरिया, डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर SH शर्मा, डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर आनंद शंकर, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर शैवाल गुहा सम्मिलित होंगे। स्टडी ऑफ डायबिटीज इंडिया है, जो डायबिटीज के विभिन्न अंगों पे शोध करती है। ऐसे कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में बहुत जगह होते हैं। इनकी एक शाखा बिहार में है और ये बिहार चैप्टर का ये 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे दरभंगा शहर में मिथिलांचल में हो रहा है। इसका फायदा ये है कि जो हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं, जो हमारे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ आ रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाली भ्रांतियाँ कॉम्प्लिकेशंस पे अपना वक्तव्य रखेंगे। जो शोध है उस शोध को यहाँ लेके आएंगे, जिससे हम लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलेगी, हम चिकित्सकों को भी और हमारी जनता को भी। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नई चीज़ें आ रही हैं, इन सबों पे वार्ता अगले 3 दिनों तक 14 से 16 के बीच में होगी। सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में आप अपनी सहभागिता दे करके हम लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं। इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हमारे पास जो बता दिए डॉक्टर मनीष जो ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, ये बताए हैं कि अभी हमारे पास जो स्पीकर आए हैं वो देश के करीब करीब सभी कोना से आ रहे हैं और नॉट ओनली डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उस सब पर वो अपनी बातों को रखेंगे। इससे ज्ञान विज्ञान और जो अपना अनुभव है वो सभी के सभी साझा करेंगे, जिससे कि सिर्फ दरभंगा के नहीं बल्कि पूरे बिहार के डॉक्टरों को फायदा होगा और वो फायदा जो हम लोग यहाँ पर पाएंगे वो जनता को मिलेगा, जिससे कि डायबिटीज़ का इलाज हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अपना अनुभव जो साझा करेंगे वो अनुभव हम अपना अपडेट करेंगे, इस तरह से हम लोग को फायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि जो PG स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका दिया गया कि अपना शोध को प्रेजेंट करेंगे, आइदर पेपर प्रेजेंटेशन होगा या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन करेंगे वो लोग, तो इसका भी ये हम लोग ध्यान रखें कि टोटली ये साइंटिफिक इवेंट है और इसमें आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद करिए और आप लोग की सहभागिता की उम्मीद करते हैं हम। यह है कि दरभंगा में या मिथिला में हो रहा है या तो कितने उत्साहित हैं आप ऑर्गेनाइजिंग में? हमारे लिए पहले तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग ये 6th एनुअल बिहार चैप्टर RSSDI को दरभंगा में आयोजित कर रहे हैं और ऐसा आयोजन दरभंगा में इससे पहले नहीं हुआ है। और जैसा डॉक्टर मनीष और डॉक्टर भरत ने कहा कि डायबिटीज़ आज के लिए एक बहुत ज्वलंत इश्यू है और इंडिया अभी डायबिटिक का कैपिटल है और इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 80 मिलियन डायबिटिक्स हैं, जो कि 2045 तक 135 मिलियन होने की आशंका है।
तो डायबिटीज़ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो इससे जो भी बाहर के स्पीकर्स आएंगे उससे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म होगा, मिलेगा, जिससे कि यहाँ के चिकित्सक एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे कि डायबिटीज़ का रोकथाम, उसके से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सके। तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, और गर्व की बात है कि हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को लगता है इसका आयोजन बहुत सक्सेसफुल हो। ये बहुत हर क्षेत्र से कुछ स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट हैं हमारे डॉक्टर पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी जो वाराणसी से हैं, डॉक्टर दीपक जुमानी जो मुंबई से आ रहे हैं, डॉक्टर वी विश्वनाथन जो चेन्नई से हैं, डॉक्टर राकेश सहाय सर जो हैदराबाद से हैं, वो अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं RSSDI के, डॉक्टर जेठवानी हैं, प्रताप जेठवानी, वो अभी राजकोट से आ रहे हैं, डॉक्टर SS दरिया जयपुर से हैं, डॉक्टर अनिल सक्सेना अजमेर से हैं, डॉक्टर अनिल सांवरिया वो भी अजमेर से हैं, इस तरह डॉक्टर अरविंद जगदीशा वो बेंगलोर से हैं, डॉक्टर श्रीनगर से डॉक्टर AS जर्गर हैं, जिनका भी बहुत सारा शोध है, वो भी हमारे बीच में हम लोगों को संबोधित करेंगे। कितने डॉक्टर डेलीगेट्स अगर हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 450 डेलीगेट्स को रजिस्टर किया है, बाहर से जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं बिहार और बाहर से मिलाकर तकरीबन 54 स्पीकर हमारे पास, 54 स्पीकर्स आ रहे हैं बिहार और बिहार से बाहर को मिलाकर। कितने दिन चलेगा ये कॉन्फ्रेंस? 14 के शाम में 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें हम लोगों ने कुछ PG का पेपर्स रखा है जो अपना शोध देंगे, और शाम में डायबिटीज़ रिलेटेड क्विज रखा है शाम में 2 घंटे का, और उनको फिर उस तरह से उपहार भी दिया जाएगा, और 15 के सुबह में हमारा 8 बजे से सेशन शुरू है शाम के 6:30 बजे तक, जिसमें सुबह में साइंटिफिक सेशन का इनॉग्रेशन है और इवनिंग तक चलेगा, और फंक्शन का इनॉग्रेशन शाम के 5:30 बजे। छात्र कहाँ कहाँ से आएंगे? छात्र बिहार के डिफरेंट जगह से हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हैं, भागलपुर मेडिकल कॉलेज के हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज से कुछ छात्र लोग रजिस्टर कराया है, सहरसा मेडिकल कॉलेज से कराया है, पटना मेडिकल कॉलेज से कराया है, ऐसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज से कराया है, ऐसे तकरीबन हर कॉलेज से कुछ न कुछ छात्र हमारे यहाँ डेलीगेट्स या फिर प्रेजेंटर के रूप में आ रहे हैं। केवल नीट या जी ही नहीं, बल्कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट के घर का माहौल भी बिल्कुल खास और अलग होना चाहिए, तभी विद्यार्थियों को उनका टारगेट अचीव करना संभव हो पाएगा। न्यूज़ टुडे से खास मुलाकात में यह कहा शहर दरभंगा के सबसे प्रतिष्ठित और बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्थाओं में से एक ग्रे मैटर खानकाह चौक के डायरेक्टर डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों पर बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना फील्ड चुनने की आज़ादी अभिभावकों को देनी चाहिए, और चुने हुए फील्ड में वो अपने टारगेट को अचीव करें, इसमें अभिभावक को भी घर का माहौल अच्छा रखकर बच्चों की विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो ग्रे मैटर में आप बहुत अच्छी व्यवस्था दे देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, घर का माहौल, चूंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS खुद किया, 0 से शुरुआत की, घर का माहौल कैसा होना चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए, केवल नीट ही नहीं? देखिए, घर का माहौल कोऑपरेटिव होना चाहिए, सपोर्टिव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले समझते हैं कि देखिए मेडिकल एंट्रेंस जो एग्जाम है इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, एक दो बार में जनरली नहीं होता, 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, तो अगर घर वाले कोऑपरेटिव हैं, घर वाले जनरली होता है कि कभी कभी रिलेटिव लोग ताना मारते हैं कि कोटा गया दिल्ली के नहीं निकाल पाए, या ड्रॉप ले रहे हो, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो पेरेंट्स का, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। MBBS टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज 6 साल 7 साल लोग ड्रॉप करके MBBS के सीट के लिए, वो जो जुनून एक नशा है उसको पाने के लिए लोग 7-8 साल मेहनत कर रहे हैं, तो फैमिली को होना चाहिए कि सपोर्ट पूरा करें, बच्चा जब तक चाहे कि नहीं एक अटेम्प्ट और देना है हमको देना है, उनको पूरा कॉपरेट करें बच्चे को, पेरेंट्स को करना चाहिए, ताकि बच्चा, क्योंकि देखिए अगर एक बार बच्चा ड्रॉप ले ले और फिर सेलेक्ट हो जाए तो वो बेहतर है कि आगे की जो जिंदगी के साल है 50-60 साल है वो बेहतर बनाएगा, रैदर देने की मान लीजिए कोई और कोर्स आयुर्वेदा या होम्योपैथी या यूनानी ले ले, तो उसमें बच्चा को लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, वो रिग्रेट करता है, तो
उससे बेहतर है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए और कोऑपरेट करें और बच्चे को जब तक मौका, जब तक इच्छा हो उनका एग्जाम देने को, एज लिमिट नहीं है, आप एग्जाम 50 60 70 साल तक भी दे सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में 8 से 10 जून तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दरभंगा जिला से तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अबूबकर आब्दी, ट्रेजरर इंजीनियर कमरे आलम, जॉइंट सेक्रेटरी सलमान इस्माइल खान के साथ माउंट समर स्कूल सैदनगर के डायरेक्टर अवधेश कुमार चौधरी, प्रिंसिपल अश्विनी कुमार, साथ ही साथ अमन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद वसीम के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दरभंगा को डायनामिक यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से नवाजा गया और एसोसिएशन के अध्यक्ष को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। ये पूरे 1 साल की कार्यकारिणी में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए दरभंगा को अवार्ड मिला। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने दरभंगा शाखा की सराहना करते हुए इनके कार्यों की तारीफ की और इसे एक यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल श्रम से संबंधित सभी हितधारक के साथ साथ टास्क फोर्स के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार के द्वारा स्वागत किया गया एवं बाल श्रम के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय कार्य को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 51 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जिसमें से 19 दूसरे जिले से संबंधित थे और 32 दरभंगा जिले से संबंधित हैं, जिन्हें नियमानुसार कैश कंपोनेंट एवं नॉन कैश कंपोनेंट के तहत पुनर्वासन किया गया और बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान के तहत 1 जून से अब तक 4 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है और यह प्रयास सतत चलता रहेगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार आर्य ने कहा कि बाल श्रम की आड़ में मानव तस्करी भी की जा रही है, जो सभी समाज के लिए कलंक का विषय है। इसे हम लोग सतत प्रयास से ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि हमारा देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है और संविधान में बाल श्रम हटाने का भी स्पष्ट उल्लेखित है, फिर भी यह प्रथा हमारे समाज में जो समाज के लिए कलंक का विषय है, जिसे दूर करने हेतु हम लोगों को संकल्पित होने के साथ साथ प्रतिबद्धता भी दर्शानी होगी। निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के मालिक जो अभी तक लॉग बुक वाहन कोषांग नेहरू स्टेडियम में जमा नहीं किए हैं, वे अविलंब करें जमा, बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर उपयोग हेतु दरभंगा जिला अंतर्गत अधिग्रहित वैसे सभी वाहन के मालिक या चालक जो अभी तक निर्वाचन के अवसर पर अधिग्रहित वाहन का लॉग बुक, बैंक खाता संख्या जमा नहीं किए हैं, उन्हें 2 दिनों के अंदर पूर्ण यात्रा विवरणी के साथ वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त लॉग बुक स्थानीय नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में बनाए गए वाहन को सांग में अविलंब जमा करें, ताकि नियमानुसार भुगतान की पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी भी कई वाहन मालिक या चालकों द्वारा लॉगबुक जमा नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तय समय सीमा के अंदर लॉगबुक जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को उनके अधिग्रहित वाहन का भुगतान का दावा अमान्य होगा।
उन्होंने कहा कि वाहन मालिक को लॉग बुक जमा करते समय अनिवार्य रूप से अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के साथ साथ वाहन निबंधन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। गेट योर चाइल्ड रेडी विथ एसेंशियल अर्ली एज स्किल्स किड जी एलिमेंट्री क्लास नर्सरी टू फिफ्थ NH 27 भराठी दरभंगा कॉरपोरेट ऑफिस रोज द मिडी सिटी एंड IVF सेंटर दिग्गी वेस्ट दरभंगा सेफ एंड इको ग्रीन इन्वायरमेंट बिग प्ले ग्राउंड डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन हरी अप एडमिशन ओपन प्री स्कूल इज किड जी नर्चरिंग जेन नेक्स्ट 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga. Affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. यात्री नागार्जुन की 113वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मौके पर डॉक्टर बैजू ने जन कवि के रूप में विश्वविख्यात बाबा नागार्जुन को पद्म पुरस्कारों से अद्यतन वंचित रखे जाने पर निराशा जताते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग रखी। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने आधुनिकता के वर्तमान दौर में पुराने दिग्गज साहित्यकारों को विस्मृत किए जाने पर चिंता जताई। लोक शक्ति के उपासक यात्री नागार्जुन मूलतः विपक्ष के जननायक कवि थे जो वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की संस्कृति को आजीवन समृद्ध करते रहे। उनकी खासियत रही कि जनहित के विरुद्ध काम करने वालों को उन्होंने कभी नहीं बख्शा, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों अथवा उनके अपने तथाकथित वाम पक्ष के ही क्यों न हों। उक्त बातें संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने मंगलवार को जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन की 113वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कहीं। इससे पहले संस्थान के महासचिव डॉ. वैद्यनाथ चौधरी बैजू के साथ केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक सह पीजी मैथिली विभाग अध्यक्ष डॉ. दमन कुमार झा, पूर्व मैथिली विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉ. अशोक कुमार मेहता, विद्यापति सेवा संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, पंचोप पंचायत के मुखिया राजीव कुमार झा, कवि शंभुनाथ मिश्र, अमरनाथ चौधरी, डॉ. उदयकांत मिश्र, प्रहलाद चंद्र कुमार, प्रोफेसर राजकिशोर झा, शिवशंकर झा, मिथिलेश मिश्र आदि ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित बाबा यात्री नागार्जुन की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रयास सब भेल छे हमू गवा छी ओकर आइ देख रेख भ पा रहल छी ओहि हिसाबे या केवल अही दिन खुजे छी। एकटा कुलपति डॉक्टर SP सिंह 2010 मे हम सिंडिकेट के 22 साल समय हमरा परसुएशन से एतऽ भेल। दोसर कुलपति SP सिंह लखनऊ जे छथि ओ छत्री बनेलनि आओर मिथिला यूनिवर्सिटी के रख रखाव में छै। किछु बात हमहूँ सब दुखी छी जे बहुत रख रखाव के काज नहि होइ छै, तऽ हम आशा नहि विश्वास करै छी जे अहाँके जे क्वेश्चन अइ तकरा हम सिंडिकेट मे राखि कऽ समार्जित ढंग सँ एकरा करब। दोसर बात आइ फेर दोहराबै छी जे हुनका पद्मश्री पद्मभूषण यदि लोकके मने मिला के बाद भारत रत्न भेटलै हन तऽ हुनका पद्मश्री पद्मभूषण भेटबाक चाही। नहि कि अब भारत रत्न हुनका भेटतनि तऽ ई साहित्य के मने हम बुझै छी जे मिथिला मे हु आफ्टर राष्ट्रकवि दिनकर तो ओहि कोठमे ई छला। सबसँ पैघ चीज आ सबसँ पहिल चीज बाबा छलखिन हँ दरभंगा जिला किसान सभा के पहिल अध्यक्ष 1943 मे जहन देश के आंदोलन आजादी आंदोलन के लड़ाई चल रहल छलै और नीलहे के खेती के विरुद्ध अंग्रेज के खिलाफ जे गोलबंद होइ छलै ओहिमे पूर्णा दरभंगा जिला के ओ पहिल संस्थापक किसान सभा के अध्यक्ष पंचोब गांव में चुनाव भेल रहे ओतै ओ 43 ईस्वी में भेला और तकर बाद से ओ आजादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभेला। आइ हुनके किसान सभा के दरभंगा जिला के अध्यक्ष के रूप में हम हुनका नमन करै छियनि और श्रद्धांजलि अर्पित करैत हुनकर जे देखायल रास्ता छै तैके ओहि आंदोलन के आगू बढ़ब के संकल्प के साथ हुनका फिर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माला पहुंच गई निकाली ना।